चिराग दीन बचाया हुसैन ने, रस्मे वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, प्यास की शिद्दत में इस्लाम बचाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। जी हाँ नाजरीन, माहे मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, फर्शे अज़ा बिछ चुकी है, हमारी आंखें नम हैं, और क्यों ना हो, वो वक्त करीब है जब हमारे और आपके इमाम कत्ल कर दिए जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका के लिए अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। तो वही करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद खवातीन ने मकसद इमाम हुसैन को ज़िंदा रखा। यही वो करबला की खवातीन हैं जिनके वजह से आज हम जानते हैं कि उस सरजमीन पर आखिर क्या हुआ था। जी हाँ व्यूअर्स, लेकिन अफसोस के इनका जिक्र नहीं किया जाता। हमारी सीरीज़ विमेन ऑफ करबला में हम जिक्र करेंगे उन खवातीन का जिन्होंने मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा है। सलाम है करबला की उन खवातीन पर जिन्होंने इस्लाम की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो आइए आगाज़ करते हैं हमारी सीरीज़ का। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नीलम वकील का। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि ये जो हमारी सीरीज़ है विमेन ऑफ करबला, यानी करबला का जो वाक़या है जो हम तमाम जानते हैं, सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी इस बात पर अग्री करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत की मिसाल है। तो वहीं ये जो पूरा वाक़या रोनुमा हुआ, हम कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर इस्लाम को बचाया तो वहीं वो औरतें, वो ख़वातीन जो करबला में मौजूद थी, इन्होंने मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाया। जी, तो अगर हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़े सिस्टर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर तारीख़ इस्लाम पर नज़र डालें, इस्लाम की तारीख में देखें, तो जंगे करबला के पहले भी काफ़ी जंग हुई होगी, ठीक है, और औरतों पर जिहाद वैसे साकित है, हम मैदान में मक्तल में नहीं जा सकते, तो क्या करबला से पहले ऐसी कोई जंग रोनुमा हुई, या करबला से पहले औरतों का क्या रोल रहा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्लाम की हिस्ट्री में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारी तारीफ परवरदिगार आलम के लिए कि जिन शुक्र है खुदावंद आलम का कि अल्लाह ने हमको एक औरत बनाया। जी, और अगर हम अहादीस मासूमीन में और कुरान शरीफ में देखें कि अल्लाह ने औरत को इक्वल मुकाम मर्तबा दिया है बनस्बत मर्द के, जस्ट डैट के उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंट, राइट, रोल्स अलग है, रोल्स अलग अलग है, वरना मर्तबा सेम है। कुरान के अंदर अल्लाह कहता है कि मोमिन मर्द मोमिन औरतें, तो अल्लाह ने हमको तकवे की बिना पर हमारा जो अजर व सवाब है वो इंशाल्लाह लिखा जाएगा। अब जब बात अगर हम करते हैं कि जिहाद की, जी, तो जिहाद का कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, औरत का जिहाद एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम सिर्फ ये बात करें कि मैदान जंग में औरत का क्या किरदार रहा है तारीख इस्लाम ही को पर्टिकुलरली, सो देखिए जिहाद के अंदर दो चीज़ें, और जो इस्लाम जो स्पेसिफिकली हमारा मज़हब, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जिस जिहाद को इनक्रेज करता है दैट इज़ द डिफेंसिव जिहाद। ओके, आई एक्सप्लेन इट कि देखिए अगर मैं किसी से लड़ने नहीं जा रही हूँ, मैं किसी से झगड़ा करने नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे घर पर हमला करे, या अगर कोई मेरे घर में आए और मेरा सामान बाहर फेंकने लगे या मेरे बच्चों पे हमला करे, सो द नेचुरल इंस्टिंक्ट जो है कि नो आई वांट टू डिफेंड माय फैमिली, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, right. ये जो प्रोटेक्टिव जिहाद है इसके ऊपर इस्लाम एम्फसाइज करता है। ओके, इसकी इजाजत है, इसकी इजाजत, और जब बात प्रोटेक्शन की या डिफेंस की आती है तो यहाँ पर औरतों को भी इजाजत है, यानी औरत एज सच मैदान जंग में जाके जिहाद नहीं कर पा रही, right. लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात आती है या टू हेल्प जस्ट एज अ हेल्पर इन द मैदान जंग, okay. एक औरत जा सकती है, जी, यानी जो जंग कर रहे हैं मर्द उनकी मदद करने, उनकी मदद करने के लिए जा सकती है। यानी हम देखते हैं कि तारीख के अंदर हम अगर अभी रिसेंट अगर बात करें इस्लामिक रिवोल्यूशन की, तो औरतों ने एक बहुत ही मेजर रोल इसमें निभाया है। ओके, ठीक है, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस के हाँ वो अपनी तरफ से अपने मर्दों को इनक्रेज करती है या वो अपने बेटों को प्रिपेयर करती है, ऐसी तरबियत देती है कि वो दीन की खातिर कुछ काम करें, ये सब तो है उस औरत का किरदार है जो हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, जो हम अक्सर, लेकिन जो एट द फील्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस्लाम इजाजत देता है जी, लेकिन जब बात
when it comes कि तुम अपने country को defend करो. Okay. तो आप जा defense की बात आ रही है. See, मैं पहल करने नहीं जा रही. जब defense की बात आ रही है, अपने country को defend करना है, तो मैं जा सकती हूँ. Okay. तो फिर जब अगर मेरे इस्लाम को, मेरे रिलीजन को डिफेंड करना है, तो मैं जा सकती हूँ. राइट. तो इसकी मिसाल हमको तारीख से मिलती है. फॉर एग्जांपल जंगे ओहद की अगर हम बात करें, तो उसमें औरतें थीं. जी, जंगे ओहद से पहले जब ये लश्कर इस्लाम का लश्कर जब जा रहा था ओहद की तरफ, तो कुछ औरतों ने रिक्वेस्ट की थी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम भी पार्ट लेना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ जंगे ओहद. तो नबी ने पूछा आप क्या करोगे. सी द सेम थिंग, आप पर तो जिहाद साकित है, आपको तलवार नहीं चलानी है, सो आप वहाँ आकर क्या करोगे. तो दे द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हम पानी पिलाएंगे. ओके. कि जब मर्द लड़ रहे होंगे तो हमारा काम होगा उनको पानी पिलाना, तो हम उनको जख्मियों को पानी पिलाने का काम करेंगे, उनको खाना प्रोवाइड करने का काम करेंगे. सेकेंड पॉइंट वॉज कि हम फर्स्ट एड करेंगे, हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे. यानी अब देखो, इफ देर इज अ जंग, सो वहां पे हम देखते हैं कि मैदान कैजुअलिटीज होती है बोथ साइड्स पे. तो अभी एक सिपाही जो जख्मी है या कोई ऐसी कैफियत में है, तो उसको बैंडेड करना, उसको फर्स्ट एड करना, उसको एक किनारे पर लाना. तो ये जो सपोर्टिंग काम जो था, तो औरतों ने विलिंगली कहा कि प्लीज गिव अस परमिशन, हम मैदान में आके इस तरह भी सपोर्ट करेगी, और ये हमारी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इस्लाम. और एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज उस वक्त जरूरत होती है, एक डॉक्टर की जरूरत है, एक कोई हेल्पर की जरूरत होती है, तो ये ताकि हमको दुश्मन से बचा सके, और ये हमारी आर्मी का इजाफा भी करती है. जी. सो ये सारी चीजें थी कि जिसके बाद परमिशन मिलती औरतों को. और अगर हम देखें जंगे बद्र, जंगे ओहद, जंगे खैबर, हर एक फील्ड में, हत्ता के करबला, औरतें हैं, और औरतों का एक अहम किरदार रहा. यहाँ पे एक डायरेक्ट रोल देखते हैं हम, डायरेक्ट रोल आता है. यानी अगर हम इसी जंगे ओहद ही की बात को अगर हम कंटिन्यू करें कि अब परमिशन मिलती है सपोर्टर, जब यहाँ जाते हैं मैदान में. अब जंगे ओहद की हिस्ट्री तो बेशक आपको पता होगी कि क्या कैफियत थी और किस तरह से, यानी कि एक मुकाम, एक स्टेज ऐसा आता है जंगे ओहद के दौरान कि अच्छे बहादुर सिपाही भी पीछे हट जाते हैं. यानी अच्छे खासे जो अपने आप को जो मर्द थे, वो भी रिसालत में आपको अकेला छोड़ देते, तनहा छोड़ देते. और फिर जब आप दुश्मनों के दरमियान अकेले होते हैं, तो रिवायत कहती है, और तारीख की मशहूर किताबों में आपको मिल जाएगी, मोतबर किताबों में, कि एक खातून थी जिनका नाम है जनाब नसीबा बिनते काब या नुसैबा बिनते काब. ओके. ये बीबी नुसैबा, इनके भाई और इनके बेटे ये मैदान में थे, ये लश्कर में थे, इस्लाम के लश्कर में थे, और ये गई थी फर्स्ट एड और पानी पिलाने के लिए, जस्ट एज अ सपोर्टर. जब बीबी नुसैबा ने देखा कि मतलब हालात ऐसे हो रहे जंग के, तो उन्होंने देखा कि कोई रसूल खुदा को हमला करने जा रहा था, एंड देयर वाज नोबडी टू हेल्प हिम, टू प्रोटेक्ट हिम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट. राइट. हाँ, तो उस वक्त एक जख्मी या एक नो एक एक सिपाही जो बिल्कुल जमीन पे ढेर था, उसकी तलवार उठाकर बीबी नुसैबा ने डिफेंड किया रसूल खुदा को. तलवार से डिफेंड किया और उनको दुश्मन के हमले से बचा लिया. तो सी नाउ शी इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग इन जिहाद, एंड दिस इज अ डिफेंसिव, दिस इज अ प्रोटेक्टिव जिहाद, जिसकी इजाजत भी है, जिसकी इजाजत. और ये यानी रसूल फरमाते हैं कि मैदान ओहद में ये एक ऐसी खातून थी, यानी रसूल खुदा इनकी तारीफ करते थे कि ये बराबर मर्दों की तरह लड़ी है. और यानी जिसको हम कहते हैं कि शी वॉज सो ब्रेव, लाइक ये मर्दों की तरह ये लड़ी है कांधा ब कांधा, और इन्होंने मुझे बचाया, इन्होंने इस्लाम को बचाया, हत्ता के इस जंग के अंदर आपको 13 जख्म लगे. अच्छा, उन्हें 13 जख्म, बीबी नुसैबा को 13 जख्म लगे. और फिर ये भी नहीं, तब जंगे ओहद में हम देखते हैं कि एक रूमर फैला था, थोड़ी हिस्ट्री हमारे, बेशक हमारे नाजरीन को तो पता ही होगी कि रूमर फैला था कि रिसालत में आपका इंतकाल हो गया, नबी शहीद हो गए. और जब मुसलमानों ने सुना कि नबी शहीद हो गए, दिस वाज जस्ट अ रूमर, तो ये सुनकर मुसलमान भाग गए कि अब जब नबी ना रहे तो हम जंग क्यों करें. राइट. लेकिन तारीख कहती है कि इवन वफाते रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी, जब इस्लाम को जरूरत पड़ी और जब जंगे यमामा जैसी जंग हुई, तो बीबी नुसैबा ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया कि मुझे तो इस्लाम की खातिर करना है, एंड उसमें उनका बाजू कलम हो जाता है. Okay. And we have a riwayat from Imam Muhammad Baqir alayhi salatu wassalam ke Bibi Nusayba is a lady ke jo 313 mein hogi. Acha, Imam-e-Zamana
شریف کے لشکر میں ہوگی. اتنا مرتبہ ہے, اتنا مرتبہ ہے. یعنی ٹھیک ہے عورت پہ جہاد ساکت ہے, مگر جب ضرورت پڑے تو مرد اور عورت دونوں میدان پر آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ بھی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جب امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو ان کے لشکر میں بھی عورتیں ہوں گی. عورتیں ہوں گی, بیکاز ایون ہی ول نیڈ, مطلب عورتوں کا پریزنس وہاں پر, عورتوں کی ضرورت وہاں بھی ہوگی. رائٹ, اوکے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈیفینسو جہاد میں عورتیں جا سکتی ہیں, اور یہ وہ مقامات تھے جہاں پر عورتوں کا ڈائریکٹ رول نہیں لیکن انڈائریکٹ رول تھا. تو وہی اگر اب ہم نظر ڈالیں کربلا پر, جب 28 سفر کے دن وہ وقت قریب آیا جب امام حسین علیہ السلام کو اپنے اہل خانہ کو لے کر اس سفر پر نکلنا تھا. اب اگر ایک جنرل پرسن کی بات کریں, جب ہمارے گھروں میں سفر طے کرنا ہوتا ہے تو اکثر ان جگہوں پر جہاں پر خطرہ ہو یا جہاں ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ کوئی مشکل آ سکتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوگا سفر اگر, تو ہم عورتوں اور بچوں کو لے جانا اوائڈ کرتے ہیں. وہیں اگر نظر ڈالیں کربلا پر, تو کربلا میں جو ہونا تھا, معصوموں کا خون بہنا, امام کا قتل ہونا, بیویوں کے سر سے چادر چھننا, حتیٰ کہ 4 سال کی بیوی سکینہ کو تماچے لگنا, یہ تمام وہ چیزیں جو امام جانتے تھے, امام کو پتا تھا کہ یہ سب رونما ہوگا, تو انہوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ سفر میں کیوں لیا؟ جی بالکل, بہت اچھا کویشچن ہے یہ کہ ہم یوزلی ہمارے یوتھس کے ذہن میں اس طرح کے کویشچنز آتے ہیں کہ شہزادیوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی. رائٹ. اب دیکھیے, امام علیہ السلام کی مصلحت تھی, بے شک دین کی ضرورت تھی, لیکن اگر ہم اس کو بالکل بیس سے دیکھیں کہ اگر ہم یہ نہ سوچیں کہ امام کی علم امامت تھا, وی آر ناٹ تھنکنگ ان دیٹ وے. جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی اختیار کی تو امام جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں نکل رہے. رائٹ. اگر فرام ڈے ون اگر امام حسین علیہ السلام لشکر لے کر جاتے, سپاہی لے کر جاتے, تو تاریخ میں درج ہوتا کہ حسین جنگ کرنے گئے تھے. جی. اور آج بھی یہ مسکنسیپشن, یہ کچھ کتابوں میں یا کچھ وی کین سے اگنورنٹ ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ کربلا 2 بادشاہوں کی جنگ تھی. جی. تو اگر امام حسین علیہ السلام لشکر لے کر جاتے تو بالکل تاریخ میں لکھا جاتا کہ آپ حکومت کے لیے نعوذ باللہ جا رہے تھے, یا آپ یزید سے کیوں ارادہ جنگ کا تھا. اور امام کا ارادہ جنگ نہیں تھا, جو کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت بھی لکھی تھی جناب محمد حنفیہ کو, ایک ریٹن وصیت جو امام حسین علیہ السلام نے دی تھی, امام نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ میں جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہوں. جی. میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. میں صرف اور صرف اصلاح امت, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. تو پوری وصیت تاریخ میں موجود ہے. جی. تو امام کا ارادہ جنگ نہیں تھا, امام کا ارادہ درس دینا تھا, امام کا ارادہ تبلیغ کرنا تھا, اویئرنیس کریٹ کرنا تھا. Right. اور اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے عورتوں کی ضرورت تھی. اچھا, اسلام کے ریلیٹڈ, اسلام کی ٹیچنگز دینے کے لیے, اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے, اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ماسز میں عورتوں کی ضرورت تھی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم یہی دیکھتے کہ امام جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے. جب جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے تو امام لشکر نہیں لے کر جا رہے بلکہ اپنی فیملی ہی کو لے کر جا رہے. اور کوئی بھی اگر ہم اس لائک ناٹ ایز اے پرسن امام, بلکہ ہم ان شخصیت کو نہیں دیکھ رہے, ہم یہ دیکھ رہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے تو آپ اپنی فیملی کو لے کر جا رہے, کیونکہ امام جنگ نہیں چاہتے, امام صلح پسند ہے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. اب اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ علم امامت تھا, اور جو کہ بے شک تھا کہ علم امامت تھا کہ جنگ تو بہرحال ہونی ہے, واقعہ کربلا تو یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے پہلے سے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, بیان کر دیا تھا, یہ پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ واقعہ کربلا بھی پیش آئے گا اور شہزادیہ سربرہنہ بھی ہوگی اور جو مظالم ڈھائے جائیں گے, یہ سب کچھ تو مطلب جیسے جناب ام سلمہ ہے, بی بی ام ہانی ہے, اور مدینے والوں کو معلوم تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی. پھر امام کیوں لے کر گئے عورتوں کو؟ اب اگر ہم اس اینگل سے سوچیں, سی اگر امام نہ لے جاتے تو کیا ہوتا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جب امام ساتھ لے گئے تو یہ دربار شام اور بازار شام اور وہ سارے مظالم ہم نے دیکھے. ناؤ اف وی تھنک دیٹ وے کہ اگر شہزادیہ مدینے میں ہی ہوتی, اگر جناب سکینہ نہ گئے ہوتے تو کیا سیناریو ہوتا؟ کوئی امپورٹنٹ رول رہا یہاں پر عورتوں کا؟ بے شک امپورٹنٹ رول تو رہا, ہم انشاءاللہ اس پوائنٹ کو بھی کور کرتے ہیں کہ وہ ایک رول تھا, وہ تو تھا, لیکن یہاں پر امام کی تھنکنگ
एज ए लाइक एक अ पर्सन जो एक स्ट्रेटजी बना रहा है और जिसके पास एक अजीम मकसद है, मकसद बहुत बड़ा है, मकसद बहुत अजीम है कि दीन बचाना है, इसलाह करनी है, दिस इज नॉट ईजी, उसमें बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी है. तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो स्ट्रेटजी लगा रहे, जो एक शायर का कॉल है कि करबला, जो ये फिक्र इमाम हुसैन के दिमाग की कि कैसे करबला की जंग को फतेह करना है, और जंग नहीं बल्कि करबला और इस्लाम को कामयाबी तक पहुँचा. तो नाउ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नोस के अगर मैं नहीं ले जाता, देखिए फर्स्ट थिंग वॉज के मदीने का गवर्नर दुश्मन अहले बैत था एंड ही वॉज अंडर फुल इन्फ्लुएंस ऑफ यजीद. शहादत मदीने में भी थी. अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना ले जाते तो पॉसिबिलिटी थी, और बहुत मुमकिन पॉसिबिलिटी थी कि लाइक शहजादियों को मदीने में इम्प्रिजन किया जाता, जिंदानों में डाला जाता, अगर करबला नहीं ले जाते, ना ले जाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों को रोकने के लिए या उनसे इंतकाम लेने के लिए. ओके. शहजादियों को मदीने में ही गिरफ्तार कर लिया जाता और वहीं पे किसी जिंदान में डाल दिया जाता, या फैमिली ऑफ इमाम हुसैन को मदीने में शहीद कर दिया जाता. यानी शहादत यहाँ भी थी, शहादत वहाँ भी थी, जिंदान यहाँ भी था, जिंदान वहाँ भी था. लेकिन अगर आप घर से बाहर ना निकलते और मदीने ही में जिंदान में आ जाते या मदीने ही में शहीद हो जाते, लेकिन वॉइस ऑफ करबला नहीं बन सकते थे. मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो जिंदा रखने की जिम्मेदारी थी, यानी बादे करबला बीबियां जब बाजारों में गई है, जब दरबार में गई है, तो उन्होंने मिशन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को स्प्रेड किया और ये बताया. हत्ता कि यजीद तो ये कहता था नाउज़ुबिल्लाह कि ये बागी है, ये खारजी है, या ये जो सर है ये नॉन मुस्लिम्स के है, ये तो नमाज तक नहीं पढ़ते थे. यानी अच्छा, इस तरह से गुमराह किया था, गुमराह किया था. और शहजादियों ने, जैसे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने या इमाम सैयद सज्जाद ने जब पुश्ते नाका से नमाजें पढ़ी, या अपने खुतबों में बार बार यबन रसूल अल्लाह कहा, ये फर्जंद रसूल है जिसको तूने शहीद कर दिया, तो वो जो जो खुतबे थे, वो जो सरमन्स थे, वो जो बाजारों को, जो पब्लिक को एड्रेस करना था, इससे करबला जिंदा रही, इससे मिशन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदा रहा. और साथ ही साथ शायद इन्हीं खुतबों के जरिए या इन्हीं डिबेट के जरिए, कॉन्वर्जेशन के जरिए, उन्होंने बताया लोगों को कि आखिर यजीद ने किसका कत्ल किया है, किसका खून बहाया. बेशक बेशक, यानी यजीद के चेहरे से नकाब उलटा. यजीद ये कहता था कि मैं रसूल खुदा का रिश्तेदार हूँ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो खारजी कहता था. राइट. तो बीबियों ने ये काम, अगर आप मदीने, देखिए शहादत दोनों तरफ थी जी, सख्तियाँ दोनों तरफ थी. जब करबला से ये खबर आती है मदीने में कि अहले बैत रसूल शहीद हो गए, तो जहाँ मदीने वाले गिरिया कर रहे, कोहराम बपाए, वहीं पे द गवर्नर ऑफ मदीना सेलिब्रेट कर रहे हैं. दुश्मनी इस हद तक थी जी. तो वही वो इंसान, देखिए शहादत और ये सख्तियाँ शहजादियों के लिए दोनों तरफ थी. अगर मदीने में शहीद हो जाती तो वॉइस ऑफ इमाम हुसैन ना बन सकती, ना बन और वाकिया करबला में जो जो जनाब अली अकबर अलैहि सलाम की शहादत, मौला अब्बास अलैहि सलाम की शहादत, शहजादे अली असगर की शहादत को एक एक जुबान ना मिलती, एक लैंग्वेज ना मिलती, और वो शायद रायगा हो जाती. तो ये एक रीजन था. उस बियाबान पर क्या हुआ ये लोगों तक पता ही नहीं चलता अगर वहाँ औरतें ना होती. बिल्कुल, किसी को पता ही ना चलता. यानी करबला सिर्फ एक दो बादशाहों की जंग रह के रह जाती है, यानी पता ही नहीं चलता कि क्या हकीकत में हुआ जी. सेकंड पॉइंट, हम ये भी एक रीजन हो सकता है कि शायद बीबियों को गिरफ्तार करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ब्लैकमेल किया जाता कि देखो अगर तुमने यजीद की बैयत नहीं की तो हम आपकी बेटी के ऊपर ये जुल्म करेंगे, या आपकी बहनों के ऊपर ये जुल्म करेंगे. एंड दिस वॉज पॉसिबल. हम जब दौर देखते हैं हाकिम शाम का, जो ज़ाहरी खिलाफत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जब हम वो दौर देखते हैं, या उसके बाद जब वाकया हर्रा का हम जिक्र करते हैं, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो मदीने में और मक्के में जो ताराजिया हुई है, यानी तारीख अगर हम देखें कि रोज़े रसूल में घोड़े बांधे जा रहे थे, मोर देन 1000 विमेन की इस्मतों को पामाल किया गया था, तो ये सारी सख्तियाँ अहले बैत के घर की औरतों के ऊपर होती, और इसके बावजूद भी वो मकसद तक नहीं पहुँच सकते. वो करबला यानी आज हर जबान पे ना होती जितना फेमस वो आज है जी. यानी 1400 साल बाद आज जब हम करबला को देखें तो जो 1400 साल पहले थी उसका बिल्कुल ही उलट देख सकते हैं आज हम. बिल्कुल, इस्लाम को जरूरत थी औरतों की इक्वली
जितनी मर्दों को थी. और यहाँ पे ये पॉइंट है कि जैसे कि उलमा अक्सर हम सुनते हैं मजलिसों में भी कि इस्लाम बचाने के लिए दीन इस्लाम को कुछ कटे हुए सरों की ज़रूरत थी, कुछ खुले सरों की ज़रूरत थी. यानी ये जानते हुए भी कि जुल्म होगा, तमाचे लगेंगे, प्यास होगी, सत्या होगी, बाजारों में ले जाया जाएगा, और हत्ता के सरों से, यानी वो घर जहाँ से पर्दा चला था, वो घर, वो बीबी के जिनकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में उठाता, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि बेअदबी और बेबरहनगी होगी, सर बरहना होगे, मगर मकसद इतना अजीम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गैरत ने और बीबी ज़ैनब ने ये गवारा किया कि अगर इस्लाम बचता है तो हम अपनी सर की चादर भी देने को तैयार है. तो इस्लाम को ज़रूरत थी औरतों के वहाँ मौजूदगी की, यानी इस्लाम की बका के लिए और मकसद करबला को दुनिया तक पहुँचाने के लिए इसमें औरतों का कितना बड़ा हाथ रहा है. और बहुत अफसोस की बात है कि इनका ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता. वहीं जहां हम देखें कि औरतों का इतना कंट्रीब्यूशन रहा, जिस तरह आपने हमें बताया कि अगर वो नहीं होती तो पता कैसे चलता कि उस सरजमीन पर, करबला पर क्या हुआ था. लेकिन फिर इसी सफ़र में बच्चों को ले जाना, जैसे कि 4 साल की बीबी सकीना, तो कोई वजह रही इन्हें ले जाने के पीछे या छोटे बच्चों को ले जाने के पीछे? बिल्कुल, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंतखाब किया था ये बहुत ही, जिसको हम कह सकते हैं, सोच समझ के किया था. बिल्कुल, यानी एक पूरी प्री प्लानिंग थी शहादत के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि ठीक है हम शहीद हो रहे मगर हमारा मकसद वेस्ट ना हो जाए, हमारी आवाज़ें दब ना जाए जी. और इसलिए बहुत ज़रूरी था. और जैसे कि मैंने अभी बयान किया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अपनी जो वसीयत में कहा था कि मैं अम्र बिल मारूफ के लिए जा रहा हूँ, राइट. और आपको ये सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये पॉइंट कि हम जब हिस्ट्री की बुक्स को रेफर करते हैं और जब हम मक्तल की बुक्स को देखते हैं तो हमारे पास आता है कि अराउंड लाइक शबे आशूर से लेके असरे आशूर तक, इन नियरली दैट फ्यू आवर्स, शबे आशूर से असरे आशूर तक के वो 18-20 आवर्स में अराउंड 30 से 32 पीपल यजीद के लश्कर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ रहे हैं. ओके, यानी हम अक्सर सुनते हैं तो ये हजरत हुर अलैहिस्सलाम का जिक्र जो सबसे ज्यादा सुनते हैं हम, लेकिन उसके अलावा भी तकरीबन 30 लोग और थे जो पलट गए थे जी. ये हमारी कोताहियां है कि हम हिस्ट्री पढ़ते नहीं है या हम हमारे सामने रुजू नहीं की जाती है, बट जिक्र है कि कैसे कैसे हालात में कौन कौन इमाम की तरफ आ गया है. यानी इमाम का मकसद इतना बुलंद था और इमाम का इन्फ्लुएंस इतना पावरफुल था कि इमाम बता रहे, जो खुतबे दे रहे, और इसके अंदर हर एक का किरदार है. जैसे हम देखते हैं कि देखिए हुर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते थे, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि रिवायतें कहती है कि जनाब हुर इमाम हुसैन की दुआ से पैदा हुए थे. ओ. और तकरीबन जब तक उनकी माँ जिंदा थी तो जनाब हुर को इमाम हुसैन की जियारत के लिए लाती थी, तो हुर इमाम हुसैन को पहचानते थे जी. एंड फिर वो पूरा वाकया जो हम अक्सर सुनते हैं कि लजा में फरस पे हाथ डालना, इमाम का रास्ता रोकना, इमाम से मुलाकात करना और इमाम का उनको एक रीजनेबल जवाब देना, अग्रीएबल जवाब देना कि मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे खत लिखकर बुलाया गया था, वो सब कुछ देखने के बावजूद और वो सारे इमाम की तरफ से आंसर सुनने के बावजूद जनाब हुर का दिल पलटा जरूर था, मतलब पिघला जरूर था, मगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला था. He was still with Yazid. Right. यानी सारी हकीकत जानने के बावजूद भी पहली आशूर, पहली मुहर्रम, जैसे कुछ रिवायतों में कि वो दैट वाज अराउंड फर्स्ट ऑफ मुहर्रम और लास्ट ऑफ ज़िलहज और फर्स्ट ऑफ मुहर्रम, कि जब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते और इमाम हुसैन ने उनको पानी पिलाया था. तो वो टर्निंग पॉइंट क्या रहा जब जनाबे हुर अलैहिस्सलाम ने रियलाइज किया कि नहीं वो गलत की तरफ है? मक्तल की किताबों के एतबार से कि जब शबे आशूर हुर इस फिक्र में है, अब पता है कि कल तो जंग होनी है और वो ये सोच रहा है, यानी वो पूरी अपनी पास्ट लाइफ को देख रहा है अपनी बर्थ से लेके 9 मुहर्रम तक के, इमाम का पानी पिलाना, इमाम का उसके ऊपर शफक्कत करना, वो सारा सब कुछ सोचते हुए एक आवाज़ हुर के कानों में आती है इमाम के ख़याम से. बिकॉज अब जब वो सोच रहा है तो जनाब हुर खैमों की तरफ देख रहे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों की तरफ, और वहाँ से अलतश की सदाएँ बुलंद हो रही है. एंड बिल्कुल, यानी हम जब ये सोचते कि शहजादी सकीना एक कमसिन बच्ची थी, बेशक
लेकिन बाशऊर थी, इंटेलिजेंट थी, राइट, अहले बैत के घर को बिलोंग करती थी, शी वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी चाइल्ड. हमें किस बात की सजा मिल रही है, हमको क्यों प्यासा रखा जा रहा है जी. तो ये आवाज हुर के लिए टर्निंग पॉइंट थी. अच्छा, जिसे सुनकर उन्होंने रियलाइज किया, बिल्कुल, मैं गिरफ्तार करने आया तो साकी एक औसर के बेटे ने मुझे पानी पिलाया और मैं उन्हीं के बच्चों को प्यासा रख रहा हूँ. तो ये हुर को हुर अलैहिस्सलाम बनाने में शहजादी सकीना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था कि क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चों को और बीबियों को साथ ले गए. तो उसमें इस तरह के बहुत सारे वजूहात पाई जाती है. जैसे हमने जिक्र किया बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, जो महज 4 साल की बच्ची, कमसन बच्ची थी, लेकिन फिर भी इनका रोल, जिसे हमने देखा कि हजरत हुर अलैहिस्सलाम जो पलटकर आए, उसमें कहीं ना कहीं जो किरदार रहा, इम्पोर्टेंट रोल रहा, वो बीबी सकीना का था. तो वहीं जहां इमाम के लश्कर में एक छोटी बच्ची थी इनके सफर में इनके साथ, तो वहीं जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा जैसी एक ओल्ड लेडी भी थी इनके साथ. तो अगर बात करें जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा की, तो काफी ओल्ड थे ये, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था? अजी, जनाब फिजा के बारे में मिलता है कि शी वाज अराउंड 64-65 इयर्स ऑफ एज, वाकई करबला के अराउंड 65 इयर्स के थे. और इनका मुकाम और इनका मर्तबा और इनकी अजमत बेशक इतनी बुलंद थी कि इन्होंने 7 मासूमों की खिदमत की. ओह, लाइक फ्रॉम रसूल खुदा टू इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, ने 7 मासूमों की खिदमत करना और 4 मासूम का इनको माँ कह के पुकारना, काफी बड़ा मर्तबा, बहुत ही अजीम मर्तबा रहा है. और जनाब फिजा खुद विलिंगली चाहती थी कि मैं करबला जाऊँ. अच्छा, ये उनकी ख्वाहिश थी? जी बिल्कुल, ये उनकी खुद की विश थी, ये उनकी दुआ थी, बल्कि एक बरसों की दुआ थी कि मैं करबला जाऊं. जैसे कि हमारे पास हिस्ट्री में मिलता है कि जब होली प्रोफेट का आखिरी वक्त आया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जनाब फिजा से कि ए फिजा, रसूल खुदा आपको बेटी कह के बुलाते थे, तो कहते थे कि ए बेटी, आपने हमारी बहुत खिदमत की, हमारे बीबी जहरा की बहुत खिदमत की, मेरी अहले बैत की, और अब मैं अनकरीब इंतकाल करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करूँ. ओके, देखिए मर्द किरदार इतना बुलंद करे, सैयदुल मुरसलीन कहते कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ और मैं, मेरी ये तमन्ना है कि आप मुझसे कुछ मांगे. ओके, और जनाब फिजा कहते कि आई डोंट वांट एनीथिंग, यानी मेरे पास सब कुछ है और कनीजी फातिमा मिल गई, इससे बलन में और क्या मांग सकती हूँ, यानी मुझे दुनिया ही में जन्नत मिल गई. मगर जब रसूल खुदा ने इसरार किया तो नबी ने कहा कि हाँ, इंसिस्ट किया कि ठीक है, तुम मुझसे ना मांगो, खुदा से मांगो. और देखिए तारीख में बिल्कुल हमारे नाजरीन को बिल्कुल पता है कि जनाब फिजा वो शख्सियत है कि जो बोलती थी वो सच हो जाता था, सिद्दीका थी, और यानी मुस्तजाब दावत थी. वो थी जो बातें भी करती थी वो कुरान की आयत के फॉर्म में करती थी, इतनी नॉलेज थी इन्हें, नॉलेजेबल लेडी थी जी. और यहाँ पर जिनकी हर दुआ कबूल हो रही है, मगर रसूल खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम कोई स्पेसिफिकली 3 दुआ ऐसी मांगो जिसमें मैं आमीन कहूँ. ओके, और मैं सिफारिश करूँ कि अल्लाह फिजा की ये 3 दुआएं मकबूल हो जाए. तो जनाब फिजा ने कहा कि मेरी फर्स्ट दुआ ये है कि मैंने अक्सर यानी खुद रसूल खुदा से तो सुना ही था कि वाकया करबला पेश आने वाला है, मगर किताब में कि बीबी फिजा फरमाती है कि मैंने अक्सर सुना है कि जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में गुफ्तगू करते हैं कि मैं क्या कुर्बानी दूंगा, तुम क्या कुर्बानी दोगे. इमाम कहते मैं 2 बेटे दूंगा, बीबी ज़ैनब कहती मैं 2 बेटे दूंगी, इमाम कहते मैं सर दूंगा, बीबी कहती मैं चादर दूंगी. यानी मैंने अक्सर इन दोनों को तन्हाई में करबला का जिक्र करते सुना है. तो जनाब फिजा कहती है कि मेरी पहली दुआ और मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मुझे इतनी उम्र मिल जाए. देखिए तोले उम्र हम भी मांगते हैं, अल्लाह हमको लंबी उम्र दे. बीबी फिजा कहती है कि मुझे इतनी लंबी उम्र मिल जाए कि मैं अपने वक्त के इमाम का साथ दे सकूं, मैं नुसरत इमाम कर सकूं. बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त जब जानकर भी कि करबला में क्या हालात होंगे, इन्होंने ये दुआ मांगी जी. यानी हमारे लिए एक रोल मॉडल है, राइट, कि आज हम भी कह सकते हैं कि परवरदिगार सिर्फ तूले उम्र ना दे, इतनी उम्र दे कि हम भी नुसरत इमाम वक्त में शरीक हो सके. जी बिल्कुल. तो उम्र मांगी, मगर मकसद क्या था, राइट. फिर सेकंड आपका पॉइंट ये था. अच्छा, यहाँ पे एक शख्स ने एतराज किया था जब उनको पता चला, तो उसने बीबी फिजा से कहा था कि फिजा, अरे अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ये कहता अल्लाह मुझे ता कयामत तक की उम्र दे दे, हाँ मुझे एक अबदी जिंदगी मिल जाए जी. तो जनाब फिजा ने कहा कि इमाम हुसैन के बाद मैं जिंदा रह के क्या करूँ.
तो मैंने उम्र ही उतनी मांगी कि जब तक मुझे सैयद सज्जाद की खिदमत करनी है तब तक मैं जिंदा रहूं। और तारीख कहते जब इमाम सैयद सज्जाद की शहादत हो गई उसके बाद बीबी फिजा भी वफात कर गई, तो ये उनकी दुआ थी कि मुझे तब तक की उम्र मिले जब तक मैं इनकी खिदमत कर सकूं। दिस वाज द फर्स्ट दुआ। ओके, सेकंड दुआ ये थी कि मैं ऐसा ना हो कि मैं मैं जिंदा तो रहूं, मुझे उम्र तो मिल जाए, बट अगर इमाम मुझे लेकर ही ना गए, क्योंकि एक महजरे शहादत था और एक वो लिस्ट थी कि जिसमें कौन करबला जाएगा कौन नहीं जाएगा। और ये इजाजत यानी कि ए रसूल आप ये दुआ करें कि उस वक्त इमाम हुसैन की लिस्ट में मेरा भी नाम आए, यानी उम्र भी मिले और मैं वहां पहुंच भी जाऊं। जैसे हम भी ये दुआ अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते कि ना सिर्फ उम्र मिले बल्कि इमाम की पहली आवाज पर मैं लब्बैक कहकर इमाम के लश्कर तक पहुंच जाऊं। एंड द थर्ड दुआ वॉज कि मुझे उम्र भी मिल जाएगी, मुझे इमाम लेकर भी गए मगर उस वक्त मैं ज़ईफ़ हो जाऊंगी। बीबी को खुद एहसास था कि मैं तो ज़ईफ़ हो जाऊंगी और जब मैं ज़ईफ़ हो जाऊंगी तो आई डोंट नो मैं खुद बीमार होगी, मैं खुद कमजोर होगी, मैं कैसे इनकी मदद करूंगी। तो जनाब फिजा ने ये दुआ की थी कि आई वॉन्ट हेल्दी लाइफ, मुझे वो सेहत नसीब हो, मुझे वो कुव्वत नसीब हो कि जितने ताजियाने हजरत ज़ैनब को पढ़ने में अपनी पुश्त को रख सकूँ, जितने पत्थर बीबी ज़ैनब पे बरसने में उसको अपने ऊपर ले सकूं, और मैं अपनी ज़ुबान से और अपने खुतबों से इमाम हुसैन को उनके मकसद को और बीबी ज़ैनब को डिफेंड कर सकूं, मैं उनको प्रोटेक्ट कर सकूं, तो मुझे वो सेहत मयसर हो जाए। जी, बहुत ही बेहतरीन तौर पर बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने हमें समझाया कि जब अपने वक्त के इमाम के लिए दुआ करें तो वो दुआ भी किस तरह करें। जी, बहुत ही बेहतरीन रोल मॉडल है हम तमाम के लिए जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा। अपने नफ्स को कंट्रोल करना हो, अपने इमाम वक्त की इताअत करना हो, ये तमाम चीज़ें हम इनसे सीख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा से सीख सकते हैं, जब इन्होंने दुआ भी मांगी तो वो इस चीज़ की मांगी कि मैं मेरे वक्त के इमाम के साथ उस जंग में जा सकूँ। हम तमाम जानते हैं कि आज हम हमारे इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, हर मजलिस के बाद हम दुआ करते हैं, हम हर मजलिस के बाद हम कहते हैं कि अल अजल, लेकिन क्या हमारे एक्शंस उतने प्योर हैं? व्यूअर्स, हमें इन तमाम बात का ख्याल रखना है। जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा से हम सीख सकते हैं कि अपने वक्त के इमाम की मदद किस तरह की जाती है। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।